के प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह रुपिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क पुणे। रीवा के समान थाना अंतर्गत बीती रात दुल्हन बनकर ठगी करके रीवा के समान थाना अंतर्गत एक लड़की 9-2-11 हो गई। लड़का लड़की के बीच बातचीत का सिलसिला प्रारंभ हुआ था जब लड़के के एक दोस्त को एक महिला मिली थी रीवा के संजय गांधी अस्पताल में। लड़के के दोस्त को उस महिला ने कहा, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ। इस बात को लड़के के दोस्त ने अशोक नाम के अपने मित्र को बताया, फोन नंबर दिया, दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला प्रारंभ हो गया। लड़का लड़की दोनों बातचीत करने लगे। लड़के ने लड़की को रीवा के समान थाना अंतर्गत नेहरू नगर में एक किराए का मकान दिला दिया, जहां बीते शुक्रवार को लड़के ने पहुंचकर अपने परिवार के साथ लड़की की ओली की रस्म निभाई। इस दौरान लड़के ने 25,000 से 30,000 रुपए खर्च किए जेवरात, कपड़े और फल पर। यही नहीं, लड़के ने 1 क्विंटल गेहूं भी दिलवाया था बारातियों को खाना खिलाने के लिए। अगले दिन शनिवार को तय हुआ था तिलक चढ़ाया जाएगा, इतवार को शादी की बात तय की गई थी। लेकिन जब तिलक चढ़ाने लड़की पक्ष का कोई भी सदस्य नहीं आया तो दूल्हे को चिंता हुई। उन्होंने उस घर में जाकर देखा जहां लड़की को रुकाया गया था, लड़की को किराए का मकान दिलाया गया था, वो घर खाली था। उसके बाद उन्होंने तलाश की, जब कहीं नहीं मिले तो पहुंच गए समान थाने, रिपोर्ट दर्ज कराई। साफ तौर से रीवा में काफ़ी अरसे बाद इस तरीके का मामला देखने में आया है, जहां ठगी करके एक दुल्हन फरार हो गई दूल्हे को। देखिए, हमने पीड़ित होने वाले दूल्हे अशोक और समान थाने के TI से बात की, क्या कुछ कहना था उनका। ये कहाँ से आए? अशोक तिवारी है मेरा नाम, जुड़वानी से आए। क्या शिकायत लेके आए हैं? शिकायत लेके आए हैं कि हमारे गांव के जो यादव जी हैं, उनको लेडीज मिली थी हॉस्पिटल में, तो बोली हमारे लड़की बच्ची की शादी करना है। हमारे गांव वाले मतलब लड़के लोग मार्क निकाल दिए थे, तो हम लोग यहाँ 10 साल से यहाँ रह रहे हैं बस स्टैंड में, तो हमको हमारी लड़की को ठिकाने लगा लीजिए। आए तो यहाँ भैया से बात हुई, यादव जी बात करवाए कि शादी कर लो। हाँ, शादी कर लो, तो भैया बोले ठीक है। इसके बाद हमको भेजे दूसरे दिन देखने के लिए, तो देखने जब आए तो बोली कि हमारी तरफ से मंजूर है, शादी मंजूर कर लिए। दूसरे दिन फोन लगाई, बोली कि आप लगन पत्र के बनवाओ, हम शादी कर लेते हैं। तो बोली इसके बाद बोली कब कर लेंगे, तो बोलती है यही एकादशी को। तो एकादशी को फिर भैया बोले कि लगन बनवाते हैं, तो लगन 27 तारीख को बनी। इसके बाद ये बोली कि हम लोग जा रहे हैं अपने इसके लड़की के मामा के यहाँ। तो मामा के यहाँ गई तो दूसरे दिन बोलती है मेरे को 30,000 रुपये चाहिए, 30,000 रुपये दे दे, उसके बाद शादी कर लेते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो भैया हमारे मना कर दिए। तो बोली 1 घंटा बाद हम बताते हैं, 1 घंटे बाद बताई, बोली पैसे का व्यवस्था हो गया है। इसके बाद बोली आप लोग तैयारी कीजिए, हम लोग शादी करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ से 5वें दिन आई यहाँ, तो बोली मेरी जहाँ रहती थी वहाँ बोली रूम मालकिन जो है परेशान कर रही है कि यही हमारे भाई के साथ शादी करो, नहीं करने देंगे शादी, गाली वाली दे रही थी। इसके बाद उसका रूम हम दूसरे दिन चेंज करवा दिए। अब जब इस रूम में आए तो बोली अब ओली डालो, पहले तो बोली कि दिन ओली डालो, अब हम रात में तिलक लेके आएंगे दूसरे दिन 24 तारीख को। 24 तारीख को फिर सुबह जब बोलती है तो बोलती है कि दिन में लेके आएंगे, और यहाँ शाम को ओली डली, ओली कब डली? ओली डली कल रात, हाँ 7 बजे। ओली डलने के बाद ये लोग को भैया लोग जब वहाँ से रवाना हुए तो शाम को 7:30 बजे करीब बात हुई उससे, तुम्हारी ओली पड़ गई है, तो इसके बाद फोन बंद कर दी। तो आपकी बात हुई कल शाम को? हाँ,
भाई ये लोग के जाने के बाद वहाँ हम लोग फोन किए इसको, सेठ को फोन नहीं लग रहा था तो सेठ को फोन किए तो बोला एक घंटे से बताता हूँ, एक घंटा बाद बोला फोन किया तो बोलता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, रूम खाली है। इसके बाद फिर मैं उसको फोन किया सुबह तो बोलता है मेरे को भाड़ा भी नहीं दिया है और खाली करके चले गए। क्या लगता है ये लड़की और उसकी माँ दादी ये लोग मिल के सब क्या की? ये लोग घपला किए ना हम लोग को पैसा लेके फरार हो गई। क्या क्या सामान आपको कल आप लोग कल हमारे भैया लोग होली में डाले हैं, साड़ी डाले हैं और महाराष्ट्रियन डाले हैं दो और कान का झुमका डाले हैं। लगभग कितने सामान? लगभग 25-30 हजार का। तो आप थाने में आए हैं सामान थाने में शिकायत करने? जी जी एक कल एक आवेदन प्राप्त हुआ था अशोक तिवारी, ये जुड़मानी थाना रामनगर सतना का रहने वाला है। उसका ऐसा कहना था कि उसको एक उसके गांव का कोई दोस्त है, उसने एक नंबर दिया था कि ये लड़की शादी करना चाहती थी। क्योंकि ये लड़का विवाहित था, इस लड़के ने उस नंबर से बात करना शुरू किया और उनकी बातचीत होने लगी और लड़की ने अपना नाम पूजा तिवारी बताया था और उनकी 4-6 दिन बात हुई। उस दौरान शादी तय कर ली इन लोगों ने, लड़की के साथ एक और कोई महिला थी। और इस प्रार्थी ने उसको जो है यहाँ पे समान क्षेत्र में एक कमरा दिलाया था किराए से, वहाँ पे वो रहती थी। और परसों उसको आप जो परीक्षा और वो सगाई का कार्यक्रम है उसके लिए लड़की ने वहाँ पे अपने कमरे में बुलाया था। वहाँ पे वो कोई जेवर वगैरह भी लेकर के और फल फूल लेकर के सगाई के कार्यक्रम में लोग आए थे, सगाई करा। सगाई करने के बाद जो है वो लोग लड़का पक्ष घर चला गया। उसके बाद तो सुबह से उस लड़की का जो है मोबाइल बंद हो गया। बाद में लोग देखने आए तो पता चला कि वो पूरा कमरा खाली करके और लड़की वहाँ से फरार हो गई। वो उसके गांव का कोई लड़का था तो उस लड़के का शायद कहना है कि वो कहीं लड़की उसको रास्ते मिली थी और कह रही थी कि हम शादी आदि के लिए कोई लड़का मिलेगा तो उस लड़के ने शायद इसको नंबर दे दिया क्योंकि उसको शादी करना था। तो वो बातचीत करते रहे, एक आध हफ्ते बातचीत भी हुई उनकी। बातचीत के दौरान शादी का ये तय हो गया और फिर ये परीक्षा और उसका सगाई का कार्यक्रम के बाद जो है लड़की उस जेवर और वो जो पैसे वगैरह दिए था वो अनाज वगैरह सब कुछ सामान लेके वहाँ से चली गई। इस पर जाँच कर रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।